तुमने देखा ऐसे, मैंने मेरे लाइफ में देखे कुछ किस्से कि जिसमें एक आदमी, तुमने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है क्या? जिंदगी में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये बुक जरूर पढ़ना, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, रॉबर्ट कियोसाकी, एंड आई टेल यू वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक. आई रेड इट व्हेन आई वाज इन 11th एंड आई वाज लकी इनफ कि आई रेड इट एट दैट एज. बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा उस बुक का मेरे लाइफ पर. उस बुक में ये लिखा गया कि एक गरीब बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है और एक अमीर बाप, एक करोड़पति बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है. बहुत अमेजिंगली बताया. डोंट टेक इट लिटरली बट टेक इट इन अ अनदर मैनर कि हाउ पीपल बिकम रिच और व्हाटएवर. सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि मैंने मेरे लाइफ में देखा है कि एवरी ईयर इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग्स देन नथिंग चेंजेस. अब जो पिछले साल चल रहा था वही चल रहा है इस साल. नथिंग विल चेंज. व्हाट विल चेंज? नथिंग. एंड डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन योर लाइफ. मतलब यू नो सम क्लर्क्स, दे हैव स्पेंड देयर कंप्लीट लाइफ बीइंग क्लर्क डूइंग द सेम जॉब, अ वॉचमैन डूइंग द सेम जॉब, एंड देन दे एक्सपेक्ट समथिंग मिरेकल इज गोइंग टू हैपन. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. वी आर वर्किंग फॉर अ कोर्स, अ डिग्री विच इज गोइंग टू गिव यू द लीडरशिप एबिलिटी. सो दैट इज द रीजन आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू टूडे दैट from the last year and in the current year there should be some change. In the last year you cracked your CPT, in the current year you have to crack your intermediate. If you are the same person who cracked CPT, then it's not going to help. You have to become something different. In 2018 you have to be something different. In 2017 you cracked your CPT, that was a different story. Now in 2018 you will have to become something else. Only then you will be able to, you know, crack your intermediate. You have to ask this question to yourself, not to me. And once you ask this question to yourself, the answer will definitely pop up. Otherwise, I have seen many kids, they keep on giving this attempt by attempt by attempt by attempt without knowing what is going wrong. Tumko kuch to alag karna padega, kyunki yahan par har ek bachcha CPT pass kar kar baitha hua hai. Samajh mein aa rahi hai? Ab tumhari competition unhi dhurandharon se hai jo CPT pass kar kar baith gaya hai. अब इनमें से कुछ सिलेक्ट किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप वही नहीं कर सकते जो आपने पहले किया है. एक छोटा सा उदाहरण कि अगर तुम कोई एलिमिनेशन राउंड देख रहे होंगे तो फर्स्ट राउंड में बंदा सिलेक्ट हो गया, सेकंड राउंड में डिलीट हो गया, क्योंकि शायद वो वही चीज़ कर रहा था जो पिछले राउंड में उसने की थी. यू हैव टू शो समथिंग न्यू एंड देन यू गेट चांस टू मूव अहेड. यू आर एलिजिबल टू मूव अहेड एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक ऑन. सो दिस वॉज पॉइंट नंबर वन कि व्हाट चेंज इज हैपनिंग. नाउ आई एम देयर ऑन द सेशन नंबर लास्ट, सेशन फाइव. हाउ डज नेचर कनेक्ट टू यू? ओके टेल मी, व्हेन डज द बर्ड वेकअप? हो इज इट अर्ली इन द मॉर्निंग? हैव यू सीन एनी बर्ड लाइक यू नो वेरी लेथार्जिक? अरे आज सोएगा भाई, बहुत थक गया कल रात को, धूप पड़ रहा था बहुत. आई मीन नहीं, दिस एनिमल्स फॉलो देयर रूटीन लाइक अ रिलीजन. मतलब हमारे लिए रिलीजन गॉड है, ये है वो है, बट फॉर दिस एनिमल्स देर इज दिस रूटीन इज द रिलीजन. सच एन अमेजिंग, सच बेस्ट पार्ट अबाउट देम इज दे आर सो वेरी वेल कनेक्टेड टू द नेचर. वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर. यू मस्ट हैव फॉरगॉटन इट, समटाइम्स इवन आई फॉरगेट इट. वी आर पार्ट ऑफ दिस नेचर, इजंट इट? एनिमल इज अ पार्ट ऑफ नेचर, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचर. We got this birth by nature. Now, whatever is the rule of nature will apply to you. और मैं ये आपको पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं और ये सत्य है. सत्य समझते हो? सत्य झुटलाया नहीं जा सकता. किसी की डेथ हो गई, तुम्हारे पास साइंस हो गई, यू कैन नॉट डिनाई इट. सो व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे इज अ मैटर ऑफ फैक्ट और तुम्हारे चाहने या ना चाहने से उसमें बदलाव नहीं हो सकता. तो सत्य क्या है ये सुनते हैं. सत्य ये है कि दिस होल वर्ल्ड और नेचर इज गवर्न्ड बाय सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. एंड आई सेड यू, यू जिसके दो पार्ट है ब्रेन के, मैंने बताया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस. मैं आपको यह पहले ही साबित कर चुका हूं कि सबकॉन्शियस इज अ पार्ट ऑफ नेचर, नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ नेचर. क्योंकि नेचर से हम बने हैं और वो नेचर के साथ कनेक्टेड है. हमारी कई सारी चीजें रिदम में चलती है, आप देखो रूटीन में चलती है सबकॉन्शियस माइंड की. योर ब्रीदिंग,
your heart beats, your sweating, your growth, your lungs purification, everything is going on in a routine, just like birds. Agreed? So our subconscious mind is a part of what? Nature. अभी सबकॉन्शियस माइंड का थोड़ा सा रिवीजन करा के दे देता हूं आपको. क्या मैंने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड आपका विचार नहीं कर सकता, विचार आता है कॉन्शियस माइंड से. सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है, एकदम परफेक्टली काम करेगा जो भी काम उसको दोगे. उसका दिमाग नहीं है, बट जो भी काम उसको दोगे एकदम परफेक्टली करेगा, मतलब परफेक्टली करेगा. इसके मैंने कई सारे उदाहरण दिए. आप जब से बचपन में जन्म लियो तब से लेकर आज तक सांस ले रहे हो, रुकी नहीं है सांस कभी, राइट? और सबकॉन्शियस माइंड कभी झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच बोलता है. एग्रीड? पर उसको दिमाग नहीं, उससे जो काम कराओगे वो कर लेगा. कर्तृत्व तुम्हारे हाथ में, कर्म तुम्हारे हाथ में, पर जो कराना चाहते हो करवा सकते हो. कल मैंने बताया कि आपको अगर कोई चीज फीड करनी है सबकॉन्शियस माइंड में तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कम से कम 21 दिन का समय लगता है, जिससे आपकी बॉडी पहले रेजिस्ट करती है और फिर अडेप्ट करती है, और एक बार अडेप्ट हो गई तो फिर उसी चीज को फॉलो करती है. हम यहां तक तो आ गए थे कल. अब क्या होता है देखते हैं. एक व्यक्ति है, अच्छा पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लेते क्या है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द बेसिक नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस मदर अर्थ. ये आपने बुक में भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बट ये सत्य है. एक एग्जाम्पल, अगर आप ये वायर देख रहे हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक वे में फ्लो है और दूसरा जो कुछ भी होता है दे आर फ्लोइंग इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. ये साइंस में आपने पढ़ा होगा. एग्रीड? सेम थिंग्स मूव्स टुगेदर. नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए. म्यूल खच्चर, हॉर्स एंड अ डोंकी. हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड है म्यूल, बट आप कभी भी नहीं देखोगे इन तीनों लोगों को एक साथ. हॉर्स अलग रहेंगे, डोंकीज अलग रहेंगे, म्यूल अलग रहेंगे. ऐसे कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर विल फ्लॉक टुगेदर, राइट? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पॉसिबली आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपने वो क्या चीज अट्रैक्ट की अपने इसमें. यू हैव अट्रैक्टेड समवेयर समथिंग, सिस्टम इज वर्किंग. यस और नो? खैर उस बातों में नहीं जाते, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने प्रूव किया. अगर आप आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बाद में एटम स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक साथ है, प्रोटॉन एक साथ है, न्यूक्लियस एक जगह पे है. कोई भी चीज क्रॉस मिक्सचर होकर नहीं होता, जो चीज जैसी है वैसे रहते हैं. गुंडे को गुंडे मिलते हैं. यस, इसीलिए तो बोलते ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, law of attraction is working at every basic level. In fact, if I want to prove you in this hand law of attraction is working, can you not see this skin? I can drag it. The molecular structure of this is same, it can be detached very easily, but the molecular structure of flesh is different. So I can separate the skin from my flesh. Hairs can be separated because the molecular structure, law of attraction is working with you. Jo cheez jaisi hai waisi hai. Agreed? पूरी मदर अर्थ भी उसी नेचर पर काम करती. काली चींटी लाल चींटी कभी साथ में नहीं देखोगे, राइट? कबूतर चिड़िया कभी साथ में नहीं देखोगे. क्रॉस ब्रीड यू विल नेवर सी. यू विल नेवर सी अ डॉबरमैन एंड पमेरियन गोइंग टुगेदर. कुकू कुकू कुकू. नो, आर गेटिंग माय पॉइंट? इट इज वेरी रेयर सिनेरियो, रेयर फेनोमेनन. तो सर हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया. अब देखते हैं क्या होता है. पूरी क्लास अब ध्यान से देखेगी क्या होता है तुम्हारे साथ. तुमने एक विचार किया. विचार करना भी एक एक्शन है. इनफैक्ट जो कुछ भी बना है सब विचार से ही तो बना है. विचार ही तो जीवंत है. बुद्धा के क्या जीवंत है? विचार ही तो जीवंत है. तो तुम्हारे जो विचार है ये एक एक्शन है. आपने ये एक्शन ली, बार बार अगर वही चीज विचार करते हो, ध्यान से सुनना, बार बार चीज वही विचार करते हो, तो ये विचार आपके सबकॉन्शियस में धीरे से एंट्री करते हैं. सबकॉन्शियस माइंड परफेक्ट है. ये बच्चा, इसको कुछ समझ में नहीं आता. विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको क्या फर्क पड़ता है? वो तो न्यूट्रल है, बच्चा है वो. तुम उसको पॉजिटिव दो तो पॉजिटिव बन जाएगा, तुम उसको नेगेटिव दो तो वो नेगेटिव बन जाएगा. ये विचार सबकॉन्शियस के पास जाता है और यहां पर आपकी पर्सनैलिटी छुपी हुई है, मैंने बताया. और ये पर्सनैलिटी सबकॉन्शियस माइंड अभी काम करने लगता है. इसके पास ये रूल है ही नहीं कि ये हो नहीं सकता. वो अपने मरते दम तक कोशिश करेगा, मतलब सांस लेते वक्त वो सबकॉन्शियस माइंड मरते दम तक कोशिश करेगा कि आपको सांस दिलाने की कोशिश करे. वो जान छोड़ देगा बट कोशिश नहीं छोड़ेगा. तो वो फिर पूरी कोशिश करने लग जाता है, नेचर से कनेक्ट करता है, नेचर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और वहां से आपको वही चीज मिलती है जो आपको चाहिए होती है, जो आप विचार कर रहे होते हो. इसलिए मैं कहता हूं ना, पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है. जो विचार आपने किया वो विचार
अब आपकी हकीकत बन जाता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने विचार किया था मुझे सीए करना है और आज वो हकीकत है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हाँ नहीं तो बेटा, अगर आप विचार करते हो तो ये विचार कन्वर्ट होता है आपकी हकीकत में। अब ये वाला पॉइंट सुनना और अब इससे देखो कि विचार से क्या तकलीफ होती है। विचार की एक खास बात है, ये नहीं नहीं समझता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये शब्द समझता ही नहीं है, नो ये शब्द नहीं समझता है। मैं चाहूंगा कि आज इसका आप एक डेमो लो, थोड़ा सा सेशन एक दो मिनट के लिए और एक्सटेंड होगा, बट मैं चाहूंगा कि इसका आप डेमो लो। आपका दिमाग नो शब्द समझता ही नहीं है, इट डजंट अंडरस्टैंड, एंड आई वुड लाइक टू प्रूव यू दैट। सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं जैसा बोल रहा हूं अगले 3 मिनट तक आप करोगे, भले ऊपर की छत नीचे गिर जाए, इतना आप कर सकते हो। रिलैक्स होकर बैठोगे, पैर क्रॉस नहीं रहेगा, आप आंखें बंद करोगे, आंखें कुछ भी हो जाए आंखें खुलनी नहीं चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू ओपन अप योर आईज, ऑलराइट, जस्ट क्लोज योर आईज। इफ यू कैन कनेक्ट connect to this silence and this nature. Listen to everything which is coming down to your ears. हर एक होने वाली आवाज की तरफ ध्यान दो, साइलेंस की तरफ ध्यान दो। अपना ध्यान पूरा अभी ले जाइए अपनी श्वास की तरफ। Take your whole attention towards your breath. श्वास को फॉलो करते हुए श्वास के साथ अंदर जाइए अपने शरीर में। Just relax and visualize one scene now. You are walking on a road. आप एक रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में एक मदारी एक बंदर को नचा रहा है। बंदर छलांग लगा रहा है, उसको विजुलाइज कीजिए। बंदर के आंखों को विजुलाइज कीजिए, रेड कलर की आंखें हैं। चेहरा विजुलाइज कीजिए, उसका शरीर विजुलाइज कीजिए। बंदर जब नाच रहा है तब पायल की आवाज़ आ रही है, घुंघरू बंधे हुए उसके, इसमें बंदर नाचे जा रहा है। बंदर को एकदम अच्छे से फील कीजिए। ये सब फील करते वक्त एक चीज का ध्यान रहे, पेड़ के ऊपर बैठे हुए छोटे बंदर की तरफ ध्यान ना दे। आई रिपीट, पेड़ के ऊपर जो छोटा बंदर बैठा हुआ है, जो मस्ती कर रहा है, नीचे लटक रहा है, उसकी तरफ ध्यान ना दे। वो बंदर शैतान है, उसकी तरफ ध्यान ना दे। Now get relaxed, become aware of the surrounding, be relaxed, calm, composed, aware of the surrounding, and very slow and steadily you can come back, you can open up your eyes very slow and steadily. छोटा बंदर कितने लोगों को नहीं दिखा? मतलब इस क्लास में मेजॉरिटी लोगों को छोटा बंदर दिखा? मैंने अगर, इफ आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग मेजॉरिटी, मेजॉरिटी लोगों को छोटा बंदर दिखा जो पेड़ पर था, लटक रहा था, मस्ती कर रहा था, तो
तो आपको मैंने प्रूव करके दिखाया कि आपको नो की भाषा नहीं समझ में आती, आपके विचार नहीं समझते। तुम जब छोटे थे तब भी यही बात सही थी, मम्मी बोलती थी इधर हाथ नहीं डालना है, तो नहीं डालना है समझ में नहीं आता था तुम्हें, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं ये शब्द नहीं समझ में आता था तुम्हें। नहीं डालना मतलब अच्छा ये डालना होता है, ये नहीं करना मतलब नहीं डालना है। तो जब मम्मा बोलती इधर हाथ नहीं डालना तो समझ में नहीं आता था। बस यही बात मैंने आपको बताई कि आपका दिमाग नहीं समझता है नो को। तो अगर तुम बोलोगे ना कि मुझे फेल नहीं होना है, तो दिमाग बोलता है फेल नहीं होना है मतलब क्या, मतलब क्या, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले फेल होगा और बोलेगा अच्छा ये नहीं होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जीवन में एक चीज हमेशा ध्यान में रख लेना, मैं आपको एक चीज आज ही बता दूं कि अगर तुम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी चीज गलत चाहोगे, वो चीज पहले आपके साथ होगी, फिर उसके साथ होगी, अगर वो भी ताकत रही आपके थॉट्स में तो। बट वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू विल गेट डिस्ट्रॉयड। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों से, थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, एक्सट्रीमली गुड अबाउट योर सेल्फ। यू शुड थिंक वेरी पॉजिटिवली एंड गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, गरीब एक्टर, अगर वो अपने बारे में पॉजिटिव सोचता ही नहीं कभी, तो इस लेवल तक कैसे आता? तो पॉइंट ही वो है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढींगड़ा हो रहा है, वो बात सब बाजू में। पहले अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में भरोसा रखो कि ये चीज हो सकती है। तुमने अगर स्वीकार कर लिया कि नहीं हो सकती, तो बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन ही नहीं जा रहा है क्या करना है। जिस दिन तुमने इंस्ट्रक्शन भेज दिया क्या करना है, वो ब्रेन पूरी कायनात जोड़ देता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सारी चीजें जोड़ देता है। फिर वो जुगाड़ कैसे होगा, वो तुम्हारे समझ के परे है, वो तुम्हारे समझ के बाहर है, कॉन्शियस माइंड नहीं समझ पाएगा, बट वो चीजें आपको हासिल कर मिलेगी, मतलब कर मिलेगी। तो आज का मैसेज सिर्फ इतना था मुझे, तुम्हारा ब्रेन कनेक्टेड है नेचर के साथ, नेचर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन एप्लीकेबल है। हम कितनी सारी चीजें देख चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप कोई चीज चाह रहे हो तो वो चीज आपको मिलेगी, बट वो थॉट आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है। बट थॉट पहुंचाने की एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, इसमें नो नेगेटिव चीजें नहीं आनी चाहिए, ये पूरी तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए, और उस पर फेथ होनी चाहिए, और उस पर एक्शन होनी चाहिए, कर्म होना चाहिए। और अगर ये चीजें सब हो जाए तो मेरा भरोसा मानो ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाओगे, हर चीज हासिल कर पाओगे। फिर सीए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं यार, सीए जस्ट अ नॉमिनल थिंग, जस्ट अ नॉमिनल थिंग। कोशिश कर कर देखना, फायदा होगा। समझ में आ गई बात? देन में ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच।